राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने यह स्पष्ट किया कि उनके पास बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में अमेरिका की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को पश्चिम का प्रिय बताते हुए कहा कि उन पर विदेशी प्रभाव का असर दिखता है। पश्चिमी देशों ने लंबे समय से मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया है। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका के इसमें सीधे तौर पर संलिप्तता है, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर आप स्थिति और प्रदर्शन को देखें तो मालूम चलेगा कि हर कदम पर प्रदर्शन को भड़काया गया है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। यह विरोध सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अदालत के फैसले के खिलाफ हो रहा था, जिसका सरकार ने भी विरोध किया। वाजिद ने कहा, हमारी सरकार ने कोटा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ही वर्षों पहले कोटा को कम कर दिया था। कोटा अदालतों द्वारा बहाल किया गया था। हमारी सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की थी और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आग्नेयास्त्र लेकर पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को ये आग्नेयास्त्र कहां से मिले? केवल विदेश खुफिया सेवा ही देश में आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति कर सकती है। इसे विदेशियों ने भड़काया और इसका समर्थन किया। मुझे नहीं मालूम कि ये पश्चिम की तरफ से है या नहीं, लेकिन अगर आप देखें कि इन प्रदर्शनकारियों ने किसे चुना है, यूनुस, जो पश्चिम का प्रिय है। पश्चिमी देश दशकों से यूनुस का समर्थन कर उसे राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे थे। पश्चिमी देशों ने सबसे पहले उसकी सरकार को बधाई दी। इसे देखकर मैं स्पष्ट हूँ कि इस पूरे मामले में पश्चिमी देशों की संलिप्तता है। इस वीडियो संदेश में शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने कहा, मेरी माँ शेख हसीना की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए मेरा व्यक्तिगत आभार है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। मेरा दूसरा संदेश यह है कि भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए और अन्य विदेशी शक्तियों को स्थिति को नियंत्रित करने नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही जॉय ने कहा, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, ये भारत का पूर्वी भाग है, ये एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता कि शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में शांति बनाए रखी है, आर्थिक विकास को बनाए रखा और देश में बढ़ते उग्रवाद को भी रोका है। बांग्लादेश में 1971 में देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तय किए गए आरक्षण के खिलाफ जुलाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। ये विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि बीती 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। वहीं बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गुरुवार को अंतरिम सरकार का गठन किया जाना है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।